हमको साथ में आके करना पड़ेगा। टॉपिक इतना सेंसिटिव है और हमारे पैनल पे जो मेहमान हैं इस कदर काबिल और इस कदर बारीक नज़र रखने वाले लोग हैं कि इस शाम को ख़त्म करने का दिल तो नहीं चाहता, मगर कमबख्त ये घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, चलती रहती हैं, रुकती नहीं। इसलिए हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ दवा हैं। आखिर में मैं तीनों मेहमानों से 30-30 सेकंड में एक सवाल का जवाब चाहूँगा, और वो सवाल ये है कि तमाम दुनिया के सामने आज जो सबसे बड़ा दुश्मन, जो सबसे बड़ा मसला है, वो है आतंकवाद। इसे हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? वो कौन से तरीक़े हैं, वो कौन से ढंग हैं, वो कौन से ढब हैं कि जिन्हें हम अमल में ला के, जिन्हें हम अडॉप्ट करके इस आतंकवाद नाम के दुश्मन को मार डालें? ब्रिगेडियर साहब, आपसे शुरू करते हैं। नहीं, सबसे पहली बात इसमें लीडरशिप का मसला है। हमने बहुत अच्छी चीज़ बोली, आपने बोली, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेगा? और इसलिए आपको अपने समाज में लीडरशिप निर्माण करनी पड़ेगी। और ये जरूरी नहीं है कि मैं कोई कौम का है इसलिए मैं मेरा कौम का अच्छा करो। जनरली वो तोड़बाजी करते हैं कौम के नाम पर कि मैं लीडर हूँ, मैं मराठा हूँ, मुझे ये करो मैं करूँगा, ऐसे नहीं होता है। इसको आपको क्रॉस रिलीजन, क्रॉस एक लीडरशिप इज द वेरी इम्पॉर्टेंट रोल। आज वो नहीं है इस देश में, आज छुड़वे लीडर बन गए, और इसलिए बेसिक मसला उस लीजिए। आप देखो ना, आतंकवादी हमला हुआ 2008 में, सारा पुलिस, सारे गवर्नमेंट मशीनरी तबाह हो गए, और फिर ये आके तुमको पकड़ते हैं। तो इसलिए लीडरशिप का मसला, और मैंने जो बोला सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंगल पर हमको एक साथ काम करना पड़ेगा, यही रास्ता। थैंक यू सर।